हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको चिकन कढ़ाई बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सी चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ जो हैं मौजूद हैं और बिला शुबा वो एक से बढ़कर एक हैं। नाम इनका अलग अलग हम इसलिए रखते हैं ताकि सर्च करने में वो रेसिपी जो है आपको सहूलत हो और आप उसको याद रख सकें कि जो आपको ज़्यादा पसंद आए आप उसको आसानी से ढूंढ सकें। वरना चिकन कढ़ाई बनाने के बहुत से तरीके हैं और जो तरीके हमने अपलोड कर रखे हैं वो सारे के सारे ही बहुत अच्छे बनते हैं। ये रेसिपी जो है ये हमने अपने मियाँ साहब की बड़ी बहन से ली है। सबसे पहले इसके लिए हमने चिकन ली है, 1 kg हमारे पास चिकन होगी, फ्रेश चिकन है जिसको हमने टुकड़ों में काट रखा है, और ये मीडियम साइज़ का हमने अनियन लिया है, बहुत बड़ा वाला नहीं लेना है। इसको हमने चॉपर में डाल लेना है अनियन को, तो चॉपर जो हमने यूज़ किया है इसका नाम निंजा है, इसमें डबल ब्लेड है। गार्लिक लिया है हैंडफुल, देखें आपने कि हमने लिया है, और इसको भी हमने चॉपर में डाला है। और जिंजर लेनी है, जिंजर भी इसके लिए हमने ज़्यादा ही ली है। यूजुअली हम अनियन को ब्राउन करके पिंक करके बनाते हैं चिकन वगैरह, इस तरह पर कच्चा प्याज पीस कर हम किसी भी डिश में कम ही डालते हैं, हमें लगता है कि वो प्रॉपरली तैयार नहीं होती है, लेकिन ये कच्चे प्याज से तैयार की गई रेसिपी है और कमाल की बनी है और हमें बिला शुबा इस बात पर बहुत हैरत हुई है। ये चीज़ें देख लें आपने हमने किस तौर पर पीसी हैं। आपने इनको बारीक नहीं करना है, इनका पेस्ट नहीं बनाना है, आपने इनको दानेदार पीसना है। इसके बाद हमने मीडियम हीट जो है वो चिकन के नीचे ऑन कर रखी है और उसमें ये तीनों चीज़ें जो हैं ये पीसी हुई डाल देनी है। नमक हमने डाला है, बेटी ये हिमालयन सॉल्ट लेके आई है, यही आजकल यूज़ हो रहा है, तो 1 teaspoon आप सॉल्ट डाल लें, 1 teaspoon चिली पाउडर डाल लें, और 1 teaspoon ही आप कोरिएंडर पाउडर डाल लें, और 1/3 teaspoon जो है वो पिसे हुए प्योर गरम मसाले का डाल लें। पिसे हुए प्योर गरम मसाले की रेसिपी जो है हमारे चैनल पर मौजूद है, उसमें ज़ीरा शामिल नहीं है तो वो ज़रा स्ट्रॉन्ग ही होता है, थोड़ा ही डालना पड़ता है। अब ये हमारे पास 3 to 4 लार्ज साइज़ के टोमेटोज़ हैं, आप देख सकते हैं कि क्या साइज़ है। ऐसे हमने 4 टमाटर लिए हैं, इनको हमने निंजा के ही ब्लेंडर में डाला है और इसको हमने पीस लेना है। फ्रोज़न है, 1 मिनट के लिए हमने इनको माइक्रोवेव में रखा है, उससे यह है कि इनकी आइस जो है वो काटने में सहूलत होगी, क्योंकि निकलते हैं जब ये फ्रीज़र से तो बिल्कुल ही पत्थर की तरह होते हैं, तो ज़रा सा माइक्रोवेव कर लेने से आप इनको आसानी से काट सकते हैं। चिकन को हमने कवर करके रखा हुआ था, पानी अपना चिकन खुद ही रिलीज़ करेगी, हमने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। इसके बाद जब इसका पानी निकलने लगे तो आप इसको थोड़ा सा हिला लें, आँच आपने मीडियम रखी हुई है, तेज़ आँच ना रखें, ऐसा ना हो कि पानी निकलने से पहले ही चिकन जो है वो नीचे से जलने लग जाए। पैन भी ये मोटा वाला है, टीफेल के ये पैन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, और इसके बाद हमने इसको गाहे गाहे ढकना है और फिर इसको हिलाते रहना है, ये अपने ही पानी में पकेगी और प्याज वगैरह जो है वो इसके साथ ही गलेगा। जब पानी थोड़ा रह जाए, खुश्क सी होने लगे, तो इसमें आपने टोमेटोज़ जो हैं वो डाल देने हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तक टोमेटोज़ जो हैं वो आइस की शक्ल में ही मौजूद हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा हिलाया है, उनका भी पानी निकल आएगा, टोमेटोज़ का भी, और फिर से हमने इसको ढक देना है। यहाँ तक ढकना है कि चिकन गल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त या चिकन बिल्कुल पसंद नहीं है, हम नहीं खाते। कुछ जिंजर जो है उसको हमने जूलियन कट कर लेना है, ये सारे टुकड़े करके जिंजर हमने काट के फ्रीज़ की हुई है, टोमेटोज़ जो है वो हमने होल ही फ्रीज़ किए हुए हैं। अब जब चिकन गल गई है, अभी इसमें पानी मौजूद है, पक चुकी है, उस वक्त हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है, कोई करीबन 1/2 cup या 1/3 cup हमने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला होगा, ऑलिव ऑयल हमने इसमें डाला है, और फिर इसको खोल कर पकाना है। अब हमने इसको तेल डालने के बाद नहीं ढकना है, खोलकर आंच जो है वो तेज़ कर देनी है, और अब हमने इसको भून लेना है। सारा कुछ जो इसके साथ गला है, अदरक लहसुन मसाला जात प्याज, वो अब आपने भून लेना है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा नहीं भूनना है कि ये बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मसाले का रंग निकलने लगा है और तेल जो है वो ऊपर आने लगा है। आपने इसको बहुत बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बाहर के ममालिक की चिकन बहुत ज़्यादा भूनने से स्मेल करने लगती है, उसमें एक हमक सी आने लगती है, तो दरमियाना सा ही बस आपने इसको हिलाना है, पकाना है, तेल अलग हो जाए तो बंद कर दें, मसाला जो है वो उसमें रहे। जब आपकी चिकन ये करीबन तैयार ही हो चले तो आप उसमें खूब सारी हरी मिर्चें जो हैं वो काट कर डाल दें, बड़ी बड़ी ही काटें, और उसमें जूलियन कट जो जिंजर था वो हमने ऐड कर देना है, थोड़ा सा हिलाना है, और फिर हमने आँच जो है वो बंद कर देनी है। सारे मसाला जात जो हैं इसमें मौजूद हैं, बहुत ही मसालेदार
बहुत ही मज़ेदार कड़ाही चिकन जो है ये तैयार होती है। तो नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये ऐसी चिकन है जिसके साथ दही या चटनी वगैरह की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। बहुत ही करारी, खुशबूदार और बिल्कुल जैसे पुराने वक्तों में हमें याद है बाड़े में इस तरह की चिकन जो है वो मिला करती थी, जो कि हाईवे के साथ ही बनाया गया था। वहाँ पर पठान ऐसी कड़ाही चिकन बनाकर नान के साथ दिया करते थे। तो हमें बिल्कुल इस चिकन ने उस जमाने की, उस दौर की याद दिलाई है। आपने देखा कि हमने गर्म गर्म ही कुक टॉप जो है उसको साफ़ किया है। गर्म कुक टॉप साफ़ करना जो है वो आसान होता है, तेल ठंडा हो जाए जम जाता है। गर्म चूल्हे को जब आप साफ़ करते हैं डैम्प क्लॉथ से तो आपको केमिकल्स भी यूज़ नहीं करने पड़ते। तो वैसे तो हम कोई माइंड नहीं करते, केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसका हमें फिर नहीं करना पड़ता है। तो ये तो थी हमारी कड़ाही चिकन जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।